जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, नीतीश कुमार की ये सरकार है जहां पर इस बार 44 ऐसे विभागों में बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर मुहर लगी है। यही नहीं, इन 44 विभागों में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर इनको स्वीकृति बल और साथ में धन राशि भी देने की बातें की गई है। यानी कि यहाँ पर जो है आप लोगों को इन विभागों को जो है पैसे भी आवंटन किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि 2016 से ये जो प्रक्रियाएं चल रही है बिहार में बहाली को लेकर, उसके हित में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो बहाली पहले निकाली गई हो उन बहाली की प्रक्रियाओं को पहले समाप्त किया जाए। बिहार में आज भी बता दें कि बिहार इंटरमीडिएट जो प्रथम स्तरीय परीक्षा हुआ था उसको पूरा कराने में यहाँ पर बिहार सरकार 8 साल लगा चुकी थी, 9 साल लगा चुकी थी, तब जाके ज्वाइनिंग दी गई। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर भी पेपर लीक होते रहे हैं। पेपर लीक होने की वजह से विलंबता और बढ़ी थी, 4 साल में वो पेपर कंप्लीट करवाया गया। बिहार एसएससी जब सेकंड स्तरीय एग्ज़ाम निकाला गया तो आपको पता होना चाहिए कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसके एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ये भी बहाली जो है 8 साल 10 साल का भेंट ना चढ़ जाए। 12,199 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं फिर से आपके पास आऊँगा कि बिहार में बम्पर वैकेंसीज के अपडेट लगातार कैबिनेट के फैसलों में लिए जाते हैं, इस बार भी लिया गया है। तो कि ये बहाली की प्रक्रियाएं कब तक होंगी, तो सन 2025 यानी कि अगला साल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। आइए उसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी वैकेंसीज के अपडेट आए हैं, ये बम्पर वैकेंसीज के अपडेट जो भी अपडेट आ रहे हैं इनके बारे में क्या क्या यहाँ पर मंत्रिपरिषद के निर्णय आए हुए हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। 12 जुलाई की कैबिनेट मीटिंग हुई थी जहां पर सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और जो भी विभाग से यहाँ वैकेंसीज आई है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, जो भी राशि आवंटित की गई है उनको इसके बारे में चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि 12 जुलाई को आज संपन्न जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है कुल 48 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो औद्योगिक और क्षेत्र बेटा को लेकर भी कार्य के नियमली को प्रोत्साहन दिया गया जो कि 2016 नियमली के अधीन है, उसको प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दे दी गई है। तो अब रोजगार के साथ साथ यहाँ पर जब फैक्ट्री वगैरह बैठेगी, रोजगार बैठेगा, तो यहाँ पर छात्रों को जो है, बिहार के लोगों को जो है रोजगार मिल पाएगा। इसको लेकर भी इस बार जो है बहुत सारे फैसले लिए गए, चूँकि नीतीश कुमार जी की सरकार ने पहले ही अनाउंसमेंट किया हुआ है कि आने वाले दिनों में हम रोजगार भी देंगे और नौकरी भी देंगे। आइए और कौन कौन से पदों पर पदों की स्वीकृति दी गई है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है गृह विभाग यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं उसके अंतर्गत बिहार पुलिस चालक संवर्ग को लेकर है ना, जैसे बिहार में ड्राइवर की वैकेंसीज अभी काफ़ी अगर देखा जाए तो कई सालों से नहीं दी गई है। बिहार के नए पुलिस चालक संवर्ग में संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दे दी गई है। तो अब नया नियमावली बनेगा, बिहार में ड्राइवर की वैकेंसीज को लेकर नए जो रूल्स आ रहे हैं उसमें कुछ नए नियमावली में बदलाव होंगे, जो सिपाही भर्ती के इक्विवेलेंट होता है बिहार पुलिस चालक का पोस्ट भी, ये एक अपडेट है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिएगा तो स्वीकृति यहाँ पर कुछ पैसों का दिया गया है जल संसाधन विभाग को भी, जल जीवन हरियाली अंतर्गत जो है टर्न आधार पर भभुआ मोहनिया शहरों के लिए सतही जल क्षेत्र का उपयोग पेयजल के लिए करवाने का बात भी किया गया है। तो ये तो खैर मैं आगे बताऊंगा जब भी इसमें वैकेंसीज के अपडेट आएंगे, जहाँ वैकेंसीज के अपडेट आए हैं उसको हम लोग एक झलक देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे नगर विकास और आवास विभाग की बात की गई है, तो CWJC संख्या जो है आपका एक केस संख्या जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 15 मई 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में नगर प्रबंधकों के करीब 163 पदों पर नियमित नियुक्ति यानी कि जो ये जो है परमानेंट जॉब की बात हो रही है यहाँ पे होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। तो अभी संविदा पे ही ये वैकेंसी चलेगा लेकिन 163 पदों का यहाँ पे नियमित बाद में कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात होगी पंचायती राज विभाग की। तो पंचायती राज विभाग में देखिए आपको पता होना चाहिए कि 15,000 से ऊपर जो है कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन उसमें इन सभी चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर एक पंचायती राज अभियंत्रण संगठन बनाया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग का एक ग्रुप बैठाया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसमें गठन में 4 तकनीकी और 2 गैर तकनीकी पदों पर सृजन यहाँ पर किया गया है। तो इस विभाग में भी कुछ नई वैकेंसीज आएंगी। पर्यावरण विभाग के लिए यहाँ पर जो है जितना भी धनराशि दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
के अंतर्गत राज्यपाल सचिवालय बिहार के पटना के नया चार पदाधिकारी यानी कि प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है एक स्थायी पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं, इनकी स्वीकृति मिली है, यहाँ पर देखिएगा। और फिर आइए बात करते हैं श्रम संसाधन विभाग की, जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना तथा नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के अंतर्गत प्रधान लिपिक यानी कि जो यहाँ पर UDC का पोस्ट होगा 31 और LDC का 31, कुल 62 पदों का सृजन किया गया है, स्वीकृति दी गई है। इनके वेतन में भी यहाँ पर भुगतान करने को लेकर जो है अनुमानित वार्षिक आय के रूप में 327 करोड़ रुपये जो है यहाँ पर ये मात्र स्वीकृति इनको दी गई है। तो ये UDC और LDC का भी पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ये सभी पद जो है आने वाले आगामी वर्षों में आपको 2025 तक देखने को मिलेंगे नई वैकेंसीज के तौर पे। यहाँ पे देखिएगा तो श्रम संसाधन विभाग के तहत ही श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना जो कि स्वीकृति और योजना के अंतर्गत कुल 548 प्रखंडों के लिए यहाँ पे दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों के परियोजनार्थ भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रत्येक प्रखंडों में 534 में अगर देखा जाए कुल 534 प्रखंडों की बात हो रही है तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं प्राप्त करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु यहां पर जो है 3971 करोड़ रुपया का स्वीकृति दिया गया है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली यहां पर आ रहा है। आप लोगों को बता दें कि लगभग 534 पद ये जोड़ दिए जाएंगे क्योंकि हर प्रखंड में एक एक होगा तो कम से कम 534 तो होंगे ही होंगे। और ये इसके अलावा भी ये बढ़ भी सकता है ना, क्योंकि 534 प्रखंड के अलावा यहाँ पर 11 श्रमयुक्त कार्यालय है, 3 दशरथ मांझी श्रम योजना भी है, तो ये संख्याएं अभी बढ़ भी सकती हैं इनके पदों की। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के निदेशालय प्रशिक्षण बिहार पटना के नियंत्रणाधीन स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व जो विभिन्न व्यवसायों में जो व्यवसाय अनुदेशक हैं, गणित अनुदेशक हैं, ड्राइंग अनुदेशक हैं, उनके 130 और ग्रुप अनुदेशकों के साथ कुल 137 पद का सृजन किया गया है। तो ये श्रम संसाधन विभाग की और कुछ वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पे जोड़ी जाएंगी। यही नहीं दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी यहाँ पर कुल 34 पद राजकीय अभियंत्रण और महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को लेकर 338 शैक्षणिक पद जो कि जिसमें कि प्रधानाध्यापक, सह प्रधानाध्यापक और सहायक प्रधानाध्यापक के 239 पद जो है स्वीकृति इनको दी गई है। तो कुल 338 पोस्ट यहाँ पे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से आ रहा है जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में आपको बता दें कि जहाँ पे 31 राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल मिला के 203 शैक्षणिक पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई है जो कि विभागाध्यक्ष होंगे, व्याख्याता, लेक्चरार वगैरह होंगे, ये सब BPSC के माध्यम से आपको बहाली आएंगी, देखने को मिलेंगी। फिर अगर हम बात करें वाणिज्य विभाग की तो ये पैसे स्वीकृत किए गए हैं यहाँ पर वित्त विभाग को यहाँ पे। अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी हृदय संस्थान पटना में यहाँ पर जो है मेडिकल कार्डियोलॉजी में और अपर निदेशक के तौर पर सर्जिकल कार्डियोलॉजी का एक एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि स्वीकृति इसको मिल चुकी है यहाँ स्वास्थ्य विभाग में। इसके अंतर्गत और भी वैकेंसीज के अपडेट आने वाले हैं, लगभग 15,000 की वैकेंसीज, आपको 35,000 की वैकेंसी जो है देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य विभाग में, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। और किस विभाग में कौन कौन से पदों की वैकेंसीज आ रही हैं उसका एक हमने आपको लिस्ट भी दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक एक करके यहाँ पे जो भी वैकेंसीज के अपडेट की स्वीकृति मिली है उन सब का जानकारी यहाँ से अपडेट किया गया है। यही नहीं, वित्तीय विभाग के अंतर्गत जो सष्टम केंद्रीय वेतन मान या वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार या राज्य सरकार के सेवक या पेंशन भोगी हैं या पारिवारिक पेंशन भोगी हैं उनको 1 जनवरी के प्रभाव से 230% के स्थान पर 239% महंगाई भत्ता भी राहत की स्वीकृति दी गई, यानी कि 9% महंगाई भत्ता का यहाँ पर राहत का स्वीकृति दिया जा चुका है। तो ये एक बेनिफिट होगा यहाँ पर वित्तीय विभाग को लेकर, यहाँ पे जो भी पेंशन भोगी हैं या अगर देखें पेंशन जो भी उठा रहे हैं या सरकारी सेवक हैं उनको यहाँ पर जो है 9% का इंक्रीमेंट मिला है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी वैकेंसीज के अलावा कुछ ऐसे भी अपडेट हैं जिसमें कि पैसे का आवंटन किया गया है, पैसों का जो है यहाँ पे विस्तारण किया गया है जो कि कैबिनेट की इस मीटिंग में लगभग 48 एजेंडों पर मोहर लगी है और 44 एजेंडों पर यहाँ पर जो है विभाग में बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज के अपडेट आएंगे
वो हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी। जय हिंद।